दिस न्यूज प्रोड्यूस्ड बाय सनराइज अपार्टमेंट। डिपो प्रमुख पर महिला को प्रताड़ित करने का आरोप। पीड़ित महिला ने शुरू किया बेमियाद अनशन। अनशन में की जा रही तबादले की मांग। महिला कर्मचारियों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से परेशान करने वाले साकोली एसटी डिपो के प्रमुख कर्मचारी के तबादले की मांग को लेकर 23 अगस्त से महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कांग्रेस की ओर से भंडारा के विभागीय कार्यालय के सामने बेमियादी अनशन शुरू किया गया है। इस अनशन के शुरू होने के बाद अब तक संबंधित विभाग द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है और ना ही प्रमुख कर्मचारी नरेश राउत के खिलाफ अब तक किसी तरह की कार्रवाई की गई है। इस अनशनकर्ताओं ने वरिष्ठों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि साकोली के एसटी डिपो में कार्यरत महिला कर्मचारी से डिपो के प्रमुख कर्मचारी नरेश राउत ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। इस संबंध में महिला कर्मचारी द्वारा डिपो प्रबंधक को लिखित शिकायत देने के बाद 1 अप्रैल को उसे निलंबित किया गया, लेकिन निलंबन की अवधि समाप्त होने के पश्चात नरेश राउत फिर से साकोली डिपो में काम पर लौट गया। 27 मार्च को डिपो की अन्य महिला कर्मचारियों ने भी नरेश राउत की शिकायत दी थी। 12 जुलाई को दोबारा महिला कर्मचारियों ने इसे लेकर विभागीय नियंत्रक के पास लिखित में शिकायत भेजी, लेकिन किसी तरह की ठोस कार्रवाई तथा महिला कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने से जुड़ा कोई निर्णय नहीं हुआ, जिसके चलते महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कांग्रेस द्वारा 23 अगस्त से बेमियादी अनशन शुरू कर डिपो के प्रमुख कर्मचारी के तबादले की मांग की गई है। मी साकोली डेपूत सोचक या पदावर आहे, तरी मला नरेश राऊतनी सरीसुपाची मागणी करतो, पण मी नकार दिल्यास कारणानं मीनं पोलीस तक्रार केलेली आहे, तरी पण त्याच्यावर काहीच कारवाई नाही होत आहे। आणि उलट मला म्हणते का तुझीच बदली आपल्या यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये करून देतो म्हणून। या अशी घटना 2015 झाली होती माझ्यासोबत, तेव्हा त्याची पवनीला बदली झाली होती, तरी पण आता 3 महिने सस्पेंड आता या केसमध्ये होता तो तरी पण त्याच आगारामध्ये त्याची बदली केली गेली। पण आता माझं म्हणणं आहे त्या माणसाची बदली तिथं म्हणजे दुसऱ्या आगारात व्हावी। आपके अपने चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले।